गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको बता रही हूँ थ्री बीन सैलेड बनाना। दिस इज़ आई लव टू ईट दिस सैलेड। वैसे मुझे ना तो छोले पसंद है राजमा, बट दिस इज़ द वन वे जिससे मैं खा लेती हूँ। सो ये देखिए, ये मैंने छोले उबाले हैं, राजमा थोड़ा सा नमक के साथ उबाला है और अच्छे से उबाला है इनको। राजमा भी आप बढ़िया से उबाल लीजिए, गलने नहीं चाहिए पर दे शुड बी प्रॉपरली कुक। और ये मैंने ग्रीन वाली बीन्स है छोटी छोटी काट के मैंने इनको स्टीम कर ली थी, और ये मैंने तीनों इकट्ठे एक बोल में ले लिया। इधर मेरे पास है कटे हुए बारीक कटे हुए कैप्सिकम, अनियंस, सॉल्ट, पेपर, ऑलिव ऑयल, विनेगर एंड मैगी के वेजिटेरियन क्यूब्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले देखिए मैं इसमें ये मिला लेती हूँ, कैप्सिकम, फाइनली चॉप्ड अनियंस, अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अनियंस हो या कैप्सिकम एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट एंड लाइकिंग। मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। दिस सैलेड इज ईटन चिल्ड, तो बनाने के बाद यू कैन रेफ्रिजरेट दिस फॉर एन आवर एंड देन सर्व। ओके, सो आई हैव सम पाउडर्ड शुगर, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं अराउंड 1 टीस्पून। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पेपर, ये हम उसकी ड्रेसिंग बना रहे हैं। बहुत मामूली सा सॉल्ट, क्योंकि जो टेस्ट मेकर है उसमें भी सॉल्ट होगा। इन केस यू डोंट हैव अ टेस्ट मेकर सॉरी, तो क्या यूज करें, जस्ट यूज सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स ओके, दिस गिव्स अ वेरी नाइस टेस्ट। You can totally avoid it if you want. Even I don't prefer using these much, क्योंकि फिर once in a while to alter the taste, I use this. So you can use the cubes as per your taste. You can add 1 or 2, and you can increase and decrease the quantity based on the quantity of your salad. I'll add some olive oil. I'll add some vinegar. You don't want to add vinegar, आप उसमें नींबू का रस डाल दीजिए। And when I am making this in winter, I don't use vinegar. I try to use the juice of fresh oranges or sweet lime. So this way, we get vitamin C also in our body. ये सारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। दिस इज कॉल्ड अ थ्री बीन सैलेड बिकॉज इट हैज छोले, राजमा एंड ग्रीन बीन्स। यू कैन ऑल्सो एड some coriander or mint leaves, but I prefer it, let's have it this way, क्योंकि सब चीज़ें सब सैलड एक जैसे ही बना देंगे ना तो the family and the kiddo ना दिल नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो हर सैलड में कुछ अलग ही रखना प्रेफर करती हूँ मैं। तो ये देखिए हाउ सिंपल वॉज दिस, वी हैव मेड अ सैलड, हार्डली 5 मिनट्स, सिर्फ राजमा और छोले उबालने का काम है, बाकी चॉपिंग हार्डली टेक्स 10 मिनट्स, नॉट इवन 10 मिनट्स, यू नीड 1 स्मॉल अनियन, अ स्मॉल साइज ऑफ कैप्सिकम एंड सम बीन्स एंड यू आर डन। सो इसे चिल कीजिए और गर्मी में ठंडा ठंडा सैलेड खाइए, दिस विल फिल योर स्टमक ऑल्सो। बार बार भूख लगती है, ये खाएं वो खाएं, इससे अच्छा बढ़िया सा सैलेड खाएं, मज़ा आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।